नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आरटीआई के संशोधन बिल का विरोध करने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं को देशद्रोही बताने वाले सांसद संतोष पांडे के बयान का विरोध अब शुरू हो गया है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे से माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही सांसद के खिलाफ पूरे देश में मानहानि का केस दर्ज करने की बात भी कही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार आरटीआई की ताकत से घबरा गई है, इसलिए संशोधन का रास्ता अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार लोकपाल से भी घबराती है, इसलिए लोकपाल बिल को उसी वास्तविक रूप में नहीं लाया जा सके। पिछले दिनों भाजपा कार्यकाल में जो सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी, उसमें शामिल होने आए संतोष पांडे ने पत्रकारों से बातचीत में संशोधन बिल का विरोध करने वालों को राष्ट्रघाती और देशद्रोही बताया था। अब इसी बयान को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे खास पेशकश बयान पर बवाल में। वही आरटीआई कार्यकर्ताओं ने संतोष पांडे की माफी मांगने नहीं मांगने पर पुतला दहन करने और हर जिले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। इसके लिए लगातार सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत जारी है, जबकि सांसद का छत्तीसगढ़ में विरोध करने का अब फैसला लिया गया है। नए नवेले सांसद महोदय को ये नहीं मालूम है कि देशभक्त और देशद्रोही में जो फर्क वो बताना चाह रहे हैं, इनके हिसाब से अगर चले तो हर वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है वो देशद्रोही है। अब हम इस बयान की बड़ी निंदा करते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट के जितने भी साथी हैं डेफिनेटली इसकी शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। और मानहानि का मुकदमा इस बात की है ममता शर्मा मैडम ने, तो डेफिनेटली अगर ऐसी बात होगी तो हम कोर्ट तक जाएंगे और मानहानि का मुकदमा भी इन पर दायर करेंगे। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या अब जनहित की बात करना देशद्रोह की श्रेणी में आने लगा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने खुलेआम लोगों का अपमान कर धमकाया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि नए सांसद को संसदीय प्रक्रिया की कितनी जानकारी है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विरोध करने का मतलब देशद्रोह नहीं होता। इस देश के अंदर विडंबना रही है कि जब जब राष्ट्र की सीमाओं की बात होती है, सीमाओं की आरक्षण की बात होती है, जब कश्मीर की बात होती है, तब तब इस प्रकार की बात आती है। और ऐसे बात करने वाले इनकी संख्या उंगलियों में गिनी चुनी है, किंतु ये आवाज उठाते हैं। एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है, और जब राष्ट्र के विषय में बात हो रही है तो राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्रघातियों के मन में और उसके खेमे में खलबली पैदा हुई है। ज्ञान की कमी है उनको। आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं और बहुत सी चीजों को बड़े बड़े मामले में उन्होंने उजागर किया है, तो उनका काम जो है वो सराहनीय है। उनको तो इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, राजनांदगांव के सांसद अभी नए नए सांसद बने हैं। संसदीय प्रक्रियाओं की और जनमानस की अपेक्षाओं की जानकारी उनको अभी कितनी है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर विरोध करने का मतलब देशद्रोह नहीं होता। रही सवाल राष्ट्रद्रोह की बात, तो राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम की बात भाजपा वालों से हम लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं सच्चिदानंद उपासने जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, और बाबूलाल शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उचित शर्मा जी हैं जो कि आरटीआई कार्यकर्ता। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरीके उपासना जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या बीजेपी ने सांसद महोदय को राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रघाती का सर्टिफिकेट देने के लिए भेजा है क्या कि जाइए सर्टिफिकेट देके आइए? उस प्रकार के कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा नहीं है। विरोध को राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रद्रोह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विरोध जो है अपने अपने विचारधारा की एक लड़ाई है, तो माफी मांगनी चाहिए ना, और उस आधार पर विरोध करने का अधिकार सभी को है। बिल्कुल, ये आप खुद कह रहे हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं उन
उन बातों पर उनको विचार करना चाहिए कि आखिर उसकी संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर का मामला दूसरे मामले जोड़ते हुए यह यदि वास्तव में आरटीआई के मामले पर ही उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से आरटीआई तो इस देश के लिए एक प्रकार से एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से अनेक भ्रष्टाचारों का आज तक उजागर किया गया है। वो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचारी ही एक प्रकार से राष्ट्रद्रोही होते हैं जिनको जिनको उजागर करने का काम आरटीआई के कार्यकर्ता करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम एक मिशन है और सरकार ने इसीलिए उसको बनाया भी है कि जो गलत तत्व हैं वो कहीं ना कहीं समाज के सामने उजागर हों, वो गलत बातें समाज के सामने उजागर हों। इन तो एक सब भावनाओं से ही आरटीआई एक्ट का निर्माण जो है बिल्कुल आपने कहा है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर एक सांसद होने के नाते उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा ना कि यदि उनको विचार करना चाहिए कि यदि आरटीआई के बारे में उन्होंने ये बात कही है तो आप उनके बयान की निंदा करते हैं? माफी मांगनी चाहिए। निंदा करते हैं आप उनके बयान की? मैंने कहा ना कि उन्होंने यदि आरटीआई के बारे में कहा है तो निश्चित रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए। एक उपासना जी एक सवाल और है कि अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन संशोधन बिल लाने की जरूरत क्या थी? धारा 13 और 19 में बदलाव करने की बीजे के पीछे मंशा क्या थी आखिर? नहीं देखिए जहां एक तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट अगर विरोध कर रहे हैं परिवर्तन उनका विरोध जायज है, आवश्यकता क्या पड़ी मूल स्वभाव में उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं है। जो 2005 का ये कानून बना उसमें जल्दबाजी में बना उसमें कुछ त्रुटियां व्यवहारिक रूप से होती हैं, उन त्रुटियों को सुधारने का काम जो सामान्यतः टेक्निकल रूप से काम करते करते ध्यान में आती हैं तो वो प्रशासनिक संशोधन है। किसी प्रकार से आरटीआई को रोकने का कोई उसमें इस प्रकार से नहीं है। जो 5 साल का कार्यकाल और उनके 65 वर्ष की आयु ये धारा 13 धारा 16 में जो संशोधन है केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इसमें ही संशोधन है। बाकी तो मैं नहीं मानता कि कोई उसके मूल धारा में या मूल उसके ढांचे में कोई परिवर्तन इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। ठीक है बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए अब तक जो चल रहा था इन्होंने पूछा जिस तरीके से जवाब दिया उपासना जी ने कि इसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिन्हें दूर करने की कोशिश तब जल्दबाजी में किया गया था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या जो अब जो संशोधन बिल पेश किया गया है उसमें ऐसे कौन से सुधार कर दिए गए जो अब बेहतर नजर आ रहा है कि अब ये बिल बेहतर हो गया है, बल्कि अब तो एक तरीके से अपने हाथ में ही सब कुछ कर लिया गया है। सूचना का अधिकार, देखिए सूचना का अधिकार एक क्रांति मानता हूं मैं इस देश के लिए। बिल्कुल एकदम पारदर्शिता और आईने के माफिक हर काम करने वाली सरकार को इससे कोई डर नहीं है। और डर उसको होता है जिसने कुछ गलतियां की हैं या करने जा रही है या करने वाली है। इसकी योजना ऐसी है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब आर्थिक भ्रष्टाचार हो आर्थिक अनियमितता हो वो करने की इच्छा किसी की होती है तो वो डरता है कि सूचना का अधिकार हमारे लिए खतरनाक है। संशोधन का जहां तक प्रश्न है तो ठीक है, जहां तक उपासना जी ने कहा है अभी तो उसका स्पष्ट नहीं है कि क्या संशोधन स्पष्ट हो रहा है कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अभी उसकी बात नहीं है। लेकिन सज्जनानंद उपासना जी ने ईमानदारी से एक बात स्वीकार की है कि जो तकनीकी कारण कुछ रह गए होंगे, जो व्यवहारिकता में जब आती है कोई बात कोई अधिकार जो है जब व्यवहारिकता में आते हैं तो कहीं कोई तकनीकी गलतियां मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी तकनीकी गलती ये तो नहीं कि कहीं कोई चीज हम देना नहीं चाहते और हमसे मांग लिया जाता है और हमको देना पड़ता है जी बिल्कुल, उसमें तकनीकी गलती मान रहे हैं कि हमको न देना पड़े उसका कोई सुधार कर लिया जाए संशोधन कर लिया जाए तो बिल्कुल गलत है। सूचना का अधिकार इतनी अच्छी अच्छी बात है, अच्छा अधिकार है जिससे आप सरकार को बांध भी सकते हैं, सरकार को दिशा भी दे सकते हैं और सरकार को डरा भी सकते हैं और सरकार के लोग जो है उनको सतर्क भी रख सकते हैं और जनता का हित भी साध सकते हैं। ठीक है मैं मानता हूँ कई लोग आरोप लगाते हैं कि आरटीआई के जो लोग है गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। एक मछली गंदा तालाब कर देती है जो कहा उस तरह की बात है। कोई 10-5% लोग अगर गलत काम कर रहे होंगे तो 90-85% जो अच्छा काम कर रहे हैं आरटी के माध्यम से, देश में देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार जो है वो सामने लाया, किसने लाया इसको देखिए, इसमें सर्वे कीजिए कि सबसे ज्यादा जो है सूचना के अधिकार के तहत वो बातें बाहर आई हैं और हम लोगों ने हिम्मत करके जो है उसको दिखाया है लिखा है तब जाकर के जो है
उन लोगों के मन में डर पैदा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छा अधिकार है, अच्छा कानून है, और इस कानून की सुरक्षा के लिए अगर कोई गलत तरीके से संशोधन होता है तो उसको रोकने के लिए विरोध होना चाहिए। बिल्कुल उचित जी, जिस तरीके से देखें चल रहा था, आरटीआई एक्टिविस्ट अपना काम कर रहे थे, और अचानक से ये बिल लाने के बाद, हालांकि इससे पहले की हवा नहीं थी, कुछ संशोधन बिल पेश भी किया जाएगा, और ये पेश होता है जिस तरीके से अगर देखा जाए सीआईसी और आईसी के अधिकारों का एक तरीके से हनन कहा जा सकता है इसको। जी बिल्कुल, पहले लोगों की सीधा नंद उपासना जी ने अपनी छवि अनुरूप आज काम किया है, उनकी छवि एक स्पष्ट भाजपा नेता के रूप में है, और जो उन्होंने दिखाया और उन्होंने निंदा जो की और जो उन्होंने बोला कि अगर इस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है तो गलत है, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज, आप इसको बड़ी महीन सी चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि धारा 13 और 16 में जो परिवर्तन हुए वो क्यों हुए हैं। ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कानून बना हुआ है 2005 में, लेकिन सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग ने जो कुछ जानकारी अभी केंद्र से मांगी है उससे मोदी जी नाराज हुए हैं। देखिए, मोदी जी इस देश से सवालिया संस्कार को हटाना चाहते हैं, वो सवालों से डरते हैं, वो मीडिया से डरते हैं, वो कोई सवाल पूछने वालों के साथ वो उतनी मतलब उनके साथ एक कंफर्ट पोजिशन में नहीं रहते हैं, ये तकलीफ है। मैं बहुत बेहतरीन आपको कारण बता रहा हूँ कि सीआईसी सूचना आयोग ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने दो चीज मांगी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है बता रहा हूँ कि इसको आपने जो इसका जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं इस कानून पे, जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं ये कानून पे, आप बैकडोर एंट्री मार के जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ये जो राजनीतिक पार्टियों क्यों आरटीआई में दखलंदाजी हो, आरटीआई के दायरे में आए ये कह दिया है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में पास हुए सभी डिग्रियां उनने मांगी है, अब 1978 में पास हुए हैं मोदी जी, अब मोदी जी की डिग्री मांगने से तो ये कानून तो बंद होना ही है ना। तो ये उस वो बेसिक रीजन ये है कि वो काम जो मोदी जी के अगेंस्ट में किया जाएगा सरकार उसको कभी पसंद नहीं करेगी, और एक व्यक्ति की कुंठा के कारण इस कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, बैकडोर एंट्री मारी जा रही है, और इतने तकनीकी तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से इसको पीछे से उचित जी, जो आप कारण बता रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल 1978 में ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मांगे गए ना, आप देखिए ना सूचना आयोग की कई बार डिग्री का कई बार मामला सामने आ चुका है, लेकिन सिर्फ यही कारण कि मोदी की डिग्री का मामला सामने आ रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने दो दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग ने जो आदेश किया है, आप देखिए आप क्या है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के बराबर की जो पदवी है हमारे सीआईसी की उसके पावर कम करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि अब हर रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में होना, एक रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में नहीं था वो ये है सीआईसी का। अब सीआईसी के कितने दिन रहेंगे कितना वेतन पाएंगे ये सब के सब डिसाइड, पहले 5 साल के रहते थे, अब डिसाइड करेंगे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार अगर डिसाइड करेगी और उनको अगर ये बताना है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सीआईसी डरेगी, सीआईसी के अब बॉसिज्म आ गया है और सीआईसी को पूछने वाला कोई आ गया है तो डेफिनेटली निष्ठा थोड़ी सी वहां रहेगी। इस चीज को रोकने के लिए, इस बातों को रोकने के लिए बैकडोर एंट्री से जो कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं, हकीकत ये है। आप बताइए कि राजनीतिक दल को सूचना के अधिनियम के तहत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप राय शुमारी कर लीजिए, देश का हर नागरिक बोलेगा कि आना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल नहीं चाहते, और ये केंद्रीय सूचना आयोग ने ये बोला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिटेल मांगी है और आदेश दिया है। इससे होने वाला ये है कि उनके पावर कम होंगे, अब वो जो अन्य विभाग से जानकारियां मंगाते हैं अन्य खरीद दे ना दे, क्योंकि उनके पद को लेके अप और डाउन वाली जो स्थिति है वो बनी हुई है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसलिए उनके पावर को कम किया गया है और उसकी बैकडोर एंट्री की गई है। बिल्कुल बाबूलाल जी, जिस तरीके से देखा जाए इसमें जो अधिकार हैं वो कम करने की कोशिश भी की गई और अधिकारों में हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की गई है, चाहे वो समय को लेकर हो, आयु को लेकर हो, या फिर वेतन वृद्धि वगैरह को लेकर हो। ये तमाम सारी चीजों में अब केंद्र हस्तक्षेप करेगा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसका असर होगा, लेकिन अभी से हम अगर ये अनुमान लगा लें कि ये संशोधन कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी इस विधेयक बिल पर चर्चा नहीं हो पाई, उन्होंने कहा है कि पहले पास हो जाने दी उसके बाद चर्चा होगी इस पर, लेकिन क्या अभी से ये कयास लगाए जाने सही है, कहां तक सही है?
देखिए उचित भाई ने जो बिल्कुल डिफाइन करके दो प्रश्न रखे हैं कि इस इन कारणों से किया जा रहा है, अभी उसका खुलासा कहीं ना कहीं अगर ये सत्य है तो आएगा, बिल्कुल सदन में बात होगी, सदन में बात में किसी न किसी के इसमें डिबेट में जो है वो जरूर बात सामने आएगी। और अगर ये बात है और ये बात अगर जनता के सामने आती है तो निश्चित रूप से ये मानिए कि जनता इस बात को सोचेगी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको बताना नहीं चाहती सरकार, इसलिए जो है संशोधन लाना पड़ रहा है। जनता में एक शंका पैदा होगी और जो सरकारों के प्रति शंका पैदा हो जाती है, ये सरकार कुछ छुपाना चाहती है, ये सरकार जो है जनता के सामने सारी चीजें नहीं लाना चाहती, कुछ ऐसा भी करना चाहती जो अंदर ही अंदर हो। और उसका एक मैं उदाहरण और भी मैं बता सकता हूँ, मैं थोड़ी कुछ मात्रा में सहमत हूँ इस बात से कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो कुछ बातों में बचना चाहती है। जैसे एक बात आई वित्त मंत्रालय में जो एक्रेडिटेड जो पत्रकार होते थे वो एंट्री करते थे और बाकायदा सब अधिकारियों से मिल करके अच्छी खबरें वहां से निकाला करते थे, उनकी एंट्री बंद हो गई। वहां वो किसी अधिकारी से अगर मिले थे तो उनको पास बनाना पड़ेगा, किस लिए मिल रहे हैं बताना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं था तो खबरें निकलेंगी कैसे? क्योंकि अगर आपको मालूम है कि बाबूलाल शर्मा पत्रकार के रूप में किसी फला अधिकारी से मिलने गया था, वो आधा घंटा बैठा था, अगर संबंधित कोई खबर छप गई तो वो अधिकारी नप जाएगा। इसलिए जो है ये जो बंधन है और जो ये स्वतंत्रता समाप्त करने के प्रयास हैं या जो जानकारियां इकट्ठा करने के रास्ते हैं उनको बंद करने का प्रयास है, इससे क्या है जनता के मन में एक शंका पैदा होगी केंद्र सरकार के प्रति, और केंद्र सरकार को इससे लाभ नहीं होगा, राजनीतिक उससे नुकसान होगा, जनता उसमें जो है शंका पैदा होगी जनता के बीच में, और जनता के बीच में इस तरह शंका पैदा होना उचित नहीं है। बिल्कुल उपासना जी, क्या केंद्र सरकार क्या कुछ करे जा रही है अंदर ही अंदर? देखिए ये तो एक ऐसी मानसिकता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, हर चीज के बारे में सोच डबल हो सकती है, अपने अपने तरीके से सोचने का अधिकार इस देश में सबको है, ठीक है, लेकिन कहीं भी इस बिल में इस प्रकार अभी एक कहना ही एक प्रकार से परिपक्वता होगी या प्रीमेच्योर होगा कि उसके जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, जब तक उस प्रकार उस पर जो निर्णय हुए हैं उस पर कोई विपरीत भावना जनता की नहीं आएगी, तब तक केवल ये कह देना कि इसके पीछे कोई अंदर ही अंदर कोई बात है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये बहुत ही पारदर्शिता लाने का एक प्रयास इसमें किया गया है और पूरी तरह से जो केवल इसके वेतन भत्ते और कार्यकाल नियम शर्तें इन सब बातों तक ही ये सीमित है, लेकिन कहीं भी उसकी मूल भावना जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जो मैंने कहा कि देश में दो विचारधाराएं काम करती है तो स्वाभाविक रूप से उस दो विचारधाराओं की लड़ाई होती है और हर निर्णय पर किंतु परंतु जरूर होता है, ये केवल उसी का भाग है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बिल जब पारित हो जाएगा और जब ये धरातल पर काम करने लगेगा तो यही एक्टिविटी जो कार्यकर्ता है वो उसी का उपयोग करेंगे और उनको उसका लाभ भी दिखाई देने लगेगा। निश्चित रूप से 2005 में भी जब लागू हुआ था उस समय भी कहीं न कहीं विरोध के स्वर उठे थे कि इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, ये उस समय भी विरोध जो है सड़कों पर भी हुआ था और संसद में भी हुआ था, विधानसभाओं में भी उसकी बात उठी थी, उस समय भी इन सब बातें हुई थी, लेकिन जब भी कोई निर्णय होता है तो इस देश में विरोध का स्वर जरूर उठता है और वो स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रजातंत्र है लोकतंत्र है उसकी भावना के अनुरूप है। मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत बात है, लेकिन उसके परिणाम जो है जब वो इम्प्लीमेंट होंगे तब सबको पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए, लेकिन अभी जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उससे आपका क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? जो अभी तस्वीर है अभी पूरी उस विधेयक बिल की मैंने कहा ना ये विचारधारा कि आखिर उसमें है क्या नहीं विचार, मैं तो धारा 13 और 16 दो ही तो संशोधन हुआ है, वो धारा 13 और 16 का मूल का संशोधन यही है कि जो मुख्य सूचना अधिकारी है आयुक्त है और सूचना आयुक्त है इनका केंद्र सूचना आयोग या धारा 16 में प्रदेश के सूचना मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों इनको जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के समतुल्य इनका वेतन होंगे। इनका कार्यकाल जो है पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हुआ करता था, उसको निर्धारण करने का अधिकार जो है केंद्रीय सरकार को होगा। इसमें कहां पर
जो है ये कहता है कि किसी प्रकार से सूचना के अधिकार को रोका जाएगा या किसी के नागरिक अधिकारों का हनन होगा या कहीं पर इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। ये इसमें पर ही आ गया ना, ऊपर एक बॉस अभी बाबूलाल जी ने कहा था, ऊपर एक बॉस आ गया, अब आपको उसके अंडर ही काम करना होगा। जब आपके वेतन से संबंधित आपके कार्यकाल तक जब ऊपर बैठा कोई बंदा अगर कोई व्यक्ति कोई डिसाइड कर रहा है तो आप कैसे चलोगे? आप उसके ही कहने पर चलोगे? फिर आज नहीं चलो नौबत आ जाएगी। कोई तो निर्धारण करता था कि यहाँ पर भी आप राज्य सूचना आयुक्त के तो प्रदेश की सरकारें ही तय करती थी जी, कौन आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास, कौन मुख्य सूचना आयुक्त होगा आखिर, ये तो राजनीतिक निर्णय हुआ करते थे जी। इसमें क्या हुआ है, कोई केंद्र ने कर दिया उसको जी? उचित जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि कैसे पावर कम किए गए हैं, किस तरीके से पावर कम किए गए हैं। देखिए, व्यक्ति आवेदन करता है, फिर प्रथम अपील में जाता है, फिर द्वितीय अपील में जाता है। द्वितीय अपील में मां छत्तीसगढ़ की द्वितीय अपील में जाने के बाद वो एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की पदवी का आदमी बैठा हुआ है जो CIC हमारा है, उसके पास से आप अगर उनके उससे उनकी पदवी कम करेंगे, जो कर रहे हैं कम करेंगे, तो वो समस्त विभागों से दस्तावेज नहीं बुला पाएंगे। जो दस्तावेज उनको किस लिए भेजते हैं, क्योंकि उनको हाईकोर्ट का हाईकोर्ट जस्टिस का पावर मिला हुआ है, उनको उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो उनका उनका जो ओहदा है वो इन सबसे बड़ा है जो राज्य में काम कर रहे हैं। इससे वो पूरे के पूरे 54 विभाग से कागजात मंगा सकते हैं, उस पावर से वो कागजात मंगा सकते हैं। लेकिन अब जो नए नियम आने के कारण वो कागजात मंगाएंगे, लेकिन भेजने वाले उन्हें कितना भेजेंगे, कितनी गंभीरता से लेंगे, कितना सीरियसली लेंगे, और आधा भेजेंगे कि पूरा भेजेंगे, ये एक सवाल खड़े होता है। ये एक नुकसान जरूर है जो दिख नहीं रहा है। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है जो अभी परिवर्तन हुआ है, प्लस पॉइंट पे भी बात करनी चाहिए कि देखिए, जिस प्रकार से दो भत्ते जो पा रहे थे, CIC 2.25 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे थे, 1 लाख रुपए उनकी पेंशन भी बन रही थी, तो अब 1 लाख रुपए जो पेंशन का है वो कम हो जाएगा। ये दो तरीके से जो लाभ पा रहे थे, ये एक अच्छा भी विषय उस पर आया है और अच्छी बात है ये कि आप दो जगह से पेमेंट पा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये भार सरकार पे पड़ता है और टैक्स का अल्टीमेटली टैक्स पेयर के पड़ता है। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो एक ही तनख्वाह या एक ही भत्ता ले पाएंगे, ये एक अच्छी बात हुई है। लेकिन पावर कम करने से वो समस्त विभागों से अब अधिकार पूर्वक उस दस्तावेजों को नहीं बुला पाएंगे, ये मूल भावना में परिवर्तन हुआ है। उचित जी, अब जिस तरीके से बिल तो पास हो गया है, अब जिस तरीके से आप सभी एक्टिविस्ट कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आगे क्या रणनीति रहेगी जिससे इस बिल को आगे ना बढ़ाया जा सके, या फिर इस पर चर्चा होनी चाहिए विस्तार रूप से, उसके बाद ही इस पर अमल होना चाहिए या आगे राज्यसभा पहुंच सकते? जी, हम लोग अपनी रायशुमारी कर रहे हैं, जनता से हम बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय को आप मेल कीजिए, चिट्ठी लिखिए राष्ट्रपति महोदय से। हम लोगों ने भी वक्त मांगा है, हम खुद इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो किसी विषय में बिना चर्चा के, क्योंकि आप संख्या बल में अधिक है, तो किसी विषय में बिना चर्चा के आप उसका काम करा ले रहे हैं या पास करा ले रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा हिंदुस्तान एक डिक्टेटर है, हमारा जो गणतंत्र है एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, और एक सवालिया संस्कार की पूरी हत्या की जा रही है। बाबूलाल जी, अगर ये बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है जिस तरीके से देखा जाए, तो क्या इसके जो प्रभाव पड़ेगा या फिर जो उसके परिणाम निकलकर सामने आएंगे वो किस तरह से होंगे, दूरगामी अगर सोच की बात करें? देखिए, जिस तरीके से अभी सामने बात जो सामने आ रही है, तो आप अभी तक जिस स्थिति देख रहे हैं RTI एक्टिविस्ट के वर्क को, तो एक अच्छा संकेत है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग इसको मान रहे हैं कि हमारे हित में है, क्योंकि जो भी गड़बड़ियां उनको नहीं जान पाते थे वो RTI के माध्यम से सामने आ जाती हैं। और एक सामान्य नागरिक तो किसी हैसियत में नहीं है कि वो कुछ पता लगा सके कि अंदर क्या हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं। तो ये एक माध्यम बहुत सशक्त माध्यम था। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसी कार्य है जिनकी सूचना देना जनहित में भी अच्छा नहीं हो सकता या देश हित में भी अच्छा नहीं होगा। मैं मानता हूँ रक्षा है, सुरक्षा है, कुछ रणनीतियां बनती हैं, कुछ ऐसी खास योजनाएं बनती है ऐसे जगहों के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए कोई बात बनती है, कोई रास्ता बनता है जिसको छुपाया जाना जरूरी है, वो एक अलग मुद्दा है, उसको स्पष्ट कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमको छुपाना है या हमको बताना ही नहीं है, मैंने आपको वित्त मंत्रालय वाला मामला बताया था, पत्रकारों को वहां से खबर मिलती थी, जाते थे, आपको भी शायद इस बात का ज्ञान होगा। तो इस तरह से अगर रोक लगेगी तो साफ साफ, और
मोदी जी कभी बात करते नहीं पत्रकारों से, कभी प्रेस वार्ता बुलाते नहीं, प्रेस वार्ता बुलाई तो खुद बात नहीं करते, दूसरे से बात कराते हैं। ये सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं, हम उसको देख रहे हैं। तो हमारी समझ में तो यही आएगा ना, हम बुद्धिजीवी हों या सामान्य नागरिक हों, हमको तो यही समझ में आएगा कि मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं, सूचनाओं को अंदर रखना चाहते हैं, कार्यशैली को बिल्कुल बताना नहीं चाहते, कोई भी प्रश्न नहीं चाहते, जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। जो कहना है मुझे कहना है, उसको आपको सुनना है, आप सिर्फ सुनिए, आप हमसे पूछिए मत। ये संकेत जो है वो जनता में खलबली मचाते हैं कि आखिर ये कैसी सरकार, आखिर कैसी सरकार के मुखिया, वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसकी कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है वो अच्छा करने के लिए कर रहे हो कि मैं अच्छा करूंगा, किसी की बात सुनूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। सोच है अपनी अपनी, वो उपासना जी ने भी कहा कि अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच हो सकती है बहुत अच्छी हो, लेकिन करने का ढंग जो है वो लोगों में खलबली पैदा कर रहा है, झटका पैदा कर रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। साहब ये तो देखने वाली बात है, हर काम में ये करना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं, और क्या ये पास होता है या नहीं है देखने वाली बात है। चलिए हमसे जुड़ने के लिए उपासना जी और बाबूलाल शर्मा जी, साथ ही साथ उचित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।